जस्ट इमेजिन, ये है मेरे पापा। पापा आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है कि आप अपने बॉन्साई प्लांट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ओके। कोई ज़्यादा केमिकल नहीं है, सारा ऑर्गेनिक ही है ये। हाँ जी। ठीक है, इससे क्या होता है जैसे छोटे पॉट में इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता ना। हाँ जी। तो आप जब मैं आपको दिखाता हूँ हम न्यूट्रिएंट डालते क्या अपने बॉन्साई में ना। ये बॉल दिख रही है आपको? हाँ जी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये बॉल है। हाँ जी। इससे इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा ना प्लांट आपका बूस्ट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी। हाँ प्रॉपर वो हरा भी रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए मैंने ये अपने सारे प्लांट्स में, ये देखिए इधर ये गावा का है, मैंने कटिंग लगाई थी अभी थोड़ी थोड़ी, देखिए आप ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई ना। हाँ जी। ठीक है, ये देखिए इसने भी मैंने रखा हुआ है ये। ठीक है। और ये देखिए ये मेरा बॉटल ब्रश का बॉन्साई है, आप थोड़ा सा पीछे दिखाइए, ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। हाँ जी। ये देखिए इसमें ही मैंने बूस्टर दिया हुआ है। वाओ। कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें मैंने ये बूस्टर ना डाला हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए ये मेरा बैरिकेटेड है रबड़ प्लांट। हाँ जी। इसमें ही मैंने बूस्ट किया, कितना छोटा पॉट है ये। हाँ, ये देखिए इसमें मैंने बूस्टर दिया हुआ है। हाँ जी। आप ये बूस्टर जब अपने सॉइल में लगाएंगे ना प्लांट्स की, तो ऑटोमेटिकली इसके जो रूट्स हैं ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अपने आप न्यूट्रन लेती रहेंगी। बड़ा स्लो स्लो जितना न्यूट्रन चाहिए आप जितना पानी देंगे ना सारा इसमें से न्यूट्रन जाता रहेगा सॉइल में, और प्लांट बिल्कुल अच्छा रहेगा आपका। वो तो रिजल्ट हमें दिख ही रहे हैं। हाँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा महंगा कुछ भी खरीदने की, या बड़े इजीली घर पे बना सकते हैं आप इसको। अब हम आपको इसके मैं रेशो बता देता हूँ कि आप बूस्टर की क्या रेशो बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे बॉन्साई में दिया हुआ ना बूस्टर। हाँ जी। देखिए इसमें मैंने 3 पीस रखे हुए हैं, ये मेरा प्लांट भी दिखा हुआ, ये फ्यूजिंग है, ये फ्यूजिंग करके मैंने बनाया हुआ है, किसी दिन हम वीडियो बना देंगे। हाँ, इसकी कि आप कैसे फ्यूजिंग कर सकते हैं। हाँ, और ये देखिए इस पर भी दिया हुआ मैंने, ये देखिए। ठीक है, पापा ये प्लांट बूस्टर कैसे बनता है? ये देखिए ये है एक्चुअल शेप इसकी, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे 1 किलो वेल डाइजेस्टिव काउडंग चाहिए आपको इसके लिए, और उसमें आपने डालना है 200 ग्राम नीम खली, 100 ग्राम बोन मील, और एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल कोई भी पाउडर ना थोड़ा आप इसमें डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करके, तो कम से कम इसको गर्मियों में तो 1.5 महीना आपने ड्राई करना है फुल सनलाइट में, और अच्छी तरह से जब आप इसको कर लेंगे तो ये आप प्लांट के हिसाब से 2 या 3 दे दें, ये अपने आप धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद ये कंपोस्ट बदल जाएगा। कंपोस्ट में जो न्यूट्रेंट है वो धीरे धीरे प्लांट को मिलते रहेंगे, बड़ा हेल्दी रहेगा आपका प्लांट। ठीक है, बस यही सीक्रेट है, और इसमें कुछ नहीं चाहिए अपने को। इसी ये सबसे बढ़िया, आपने रिपोर्ट भी नहीं करना, कई लोग अफ्रेड करते हैं ना मैंने रिपोर्ट नहीं करना प्लांट को, तो उसके लिए भी आप इसको बूस्टर दे सकते हैं। कम से कम 1 साल आपका रिपोर्ट आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम अपनी बॉन्साई कलेक्शन आपको सारी दिखाएंगे।